हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। सोमवार की शाम एक राहगीर को एक दुर्लभ छिपकली दिखाई दी। वह घटनास्थल के पास लघुशंका के लिए रुका। इसी दौरान उसे अजगर के छोटे बच्चे जैसी दिखने वाला यह जीव दिखा, जिसके बाद राहगीरों ने तत्काल वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के गौरांग वाइकर और नीतीश भादंकर को मामले की जानकारी दी। दोनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर सांप जैसे दिखने वाले जीव का निरीक्षण किया तो उसके दुर्लभ छिपकली होने का अनुमान लगाया। उसके तुरंत बाद उन्होंने छिपकली का फोटो खींचकर गोरेवाड़ा प्राणी संग्रहालय के क्यूरेटर दीपक सावंत को व्हाट्सएप किया। सावंत ने बताया कि इस दुर्लभ छिपकली को गिरी गेकोएला कहा जाता है। यह छिपकली वर्ष 2016 से वैज्ञानिक वरदगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पहले तक छिपकली को कोलेगल केंगो नाम से भी जाना जाता था। सर्पमित्र भदंकर के अनुसार यह सुंदर दिखने वाली छिपकली रसल वाइपर सांप घोनिस की तरह दिखती है, इसलिए सामान्य व्यक्ति उसे देखकर जहरीली समझता है, लेकिन यह छिपकली विषैली नहीं है। यह छिपकली भी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस घटनास्थल के पास ही छोड़ दिया गया। दिन ब दिन बढ़ते शहरीकरण से इस दुर्लभ छिपकली के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।